नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, हाल ही में मैंने एक नया चैनल ओपन किया है, नाम है टेक हेल्प बांग्ला। अगर इसी वीडियो को आप बंगाली में देखना चाहते हैं तो आप टेक हेल्प बांग्ला चैनल में जाके इसी वीडियो को बंगाली में देख सकते हैं। और दोस्तों, चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक पे जाके आप मेरा नया चैनल विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक लो वोल्टेज इंडिकेटर सर्किट है और दोस्तों, इस सर्किट को आप किसी भी वोल्ट के बैटरी के साथ यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक 20K प्रीसेट और एक TL431 आईसी। उसके बाद प्रीसेट के इस पॉइंट को हम आईसी के एनोड पॉइंट के साथ और प्रीसेट का मिडिल पॉइंट हम आईसी के रेफरेंस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 4.7K और एक 2.2K रजिस्टर। उसके बाद इस 2.2K रजिस्टर को हम आईसी के कैथोड पॉइंट के साथ और इस 4.7K रजिस्टर को आईसी के रेफरेंस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस 4.7K और इस 2.2K रजिस्टर का बाकी दो पॉइंट्स हम एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक रेड कलर का एलईडी बल्ब। उसके बाद एलईडी का पॉजिटिव पॉइंट हम आईसी के कैथोड पॉइंट के साथ और एलईडी का नेगेटिव पॉइंट हम आईसी के रेफरेंस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा दो पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें सोल्डर करना है इस पॉइंट के साथ, उसके बाद दूसरा तार हम इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये दो तार हो गया इस सर्किट का पावर सप्लाई का दो तार। तो दोस्तों, ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक लो वोल्टेज इंडिकेटर सर्किट अपने घर पे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।